वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंडीहा में एक महिला हुई बाघ की शिकार। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक महिला अपने पशुओं को चराने के लिए गई थी जंगल के किनारे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इस तरह की अनेकों घटनाएं घटते रहती हैं। घटना के समय पदाधिकारी और कर्मी रहते हैं सक्रिय, बाकी समय इस तरह की घटना नहीं हो इसकी कोई चिंता नहीं है इन्हें। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण गौनाहा से आसिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत दिनांक 3 दिसंबर 2023 रविवार संध्या 5 बजे गौनाहा प्रखंड अंतर्गत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धना रेंज के जंगल के समीप ग्राम पंचायत राज सीठी के वार्ड संख्या 12 के ग्रामीण अरुण काजी, वार्ड सदस्य सुनील महतो, युगो उराव, रंजीत उराव, हिरामन उराव, राजकुमार उराव, बालमती देवी, फदारनी देवी और रामपति देवी आदि लोगों ने बताया कि करीब 50 वर्षीय महिला चिलोरिया देवी, पति बुधन उराव, ग्राम मंडीहा को बाघ ने उस समय हमला कर मौत के घाट उतार दिया जब उक्त महिला सरे में अपने पशुओं को चरा रही थी। ग्रामीणों और परिजनों ने रेफरल अस्पताल गौनाहा पहुंचाए, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर विकास बिहारी ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए राय दिया गया है। वहीं वन विभाग के वाहन से मृतक को GMCH बेतिया ले जाया गया। वहीं गोवर्धना रेंजर सुजीत मिश्रा और DFO प्रद्युमन गौरव से बात करने का प्रयास किया गया तो उक्त दोनों का मोबाइल बंद मिला। न्यूज़ 9 टाइम्स। अभी सर एक शव यहाँ से गया है पोस्टमार्टम के लिए, चिलोरिया देवी का जो मंडीहा के हैं बुधन उराव की पत्नी है, तो क्या मामला था उनका, कैसे? मामला ये था कि रात को 11:30 बजे लाए थे, वो डेड बॉडी था, थाना और वन विभाग दोनों लाया था समझे, लेकिन वो ऑलरेडी डेड था। तो फिर हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए सलाह दे दिया था कि जाके उन्होंने क्या कारण बताया, उसे कारण बताया कि बाघ का द्वारा ये हमला किया था, उसके जान ले लिया गया, बाघ मारा है। आपका परिचय सर? डॉक्टर विवेक विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौना पश्चिम चंपारण। ये जो अस्पताल में शव रखा हुआ है ये कैसा शव है? बाघ का मारा हुआ शव है। अच्छा, क्या नाम है मृतक का? चिलहरिया देवी। और पति का नाम? पति का नाम श्री बुधन उराव। घर? घर मंडी है। कितना उम्र है इनका? इनका लगभग 55-60 के बीच में होगा। अच्छा, कैसे बाघ मार दिया इनको? ये भैंस चराने गई थी ना, वहीं जंगल और SSB कैंप के बीच में खेत है, इसी में लोग चरा रहा था, बस माल को घुमाने गई घर लाने के लिए, उस टाइम में वो हमला कर दिया। कब की घटना है ये? लगभग 5:30 के बीच में, मतलब कल 3 दिसंबर को, सूर्यास्त के टाइम, 3 दिसंबर को सूर्यास्त के समय का घटना है ये। बालमती। अच्छा, ये जो अभी शव अस्पताल में रखल गई बा पोस्टमार्टम के लिए ले जाए खातिर, उनकर कैसे मौत भइल बा? कैसे मौत भइल बा? गेल रहे भैंस चरावे गए रहे, तो खेते में चरावत रहे, तो उहे जगह पकड़ ले बा खेते पर। का पकड़ ले बा? खेते पर बाघ। बाघ पकड़ ले बा? आ वही जब मार देलोस, उहे तक मार के टांग के ले गेल बा। टांग के ले गई? हाँ। तो में से खैले भी बा लाश में से की बचल? खैले बा, जहाँ और कहने खैले बा। अच्छा, घेटैया है, काट देले बा है पर, खून पी ले बा। अच्छा, कौन जगह घटना है? मंडीहा। ये जो शव रखा हुआ है कैसा शव है? ये मेरे बड़की मम्मी का शव है। कैसे घटना घटी है? ये घटना शाम को 5 बजे करीब था, जब भैंस चराने गई थी खेत के पास, तो वहीं पर बाघ ने थोड़ा नज़दीकी ही आकर उसको पकड़ कर जंगल की ओर रख घीच कर ले गए, कैंप से जस्ट 100 मीटर के करीब में। कैसे पता चला आपको कि बाघ मारा है? वहाँ पे 4 आदमी थे और भैंस चराने वाले, वहीं जो पकड़ा ना तो चिल्लाया, तो वहीं सब बताया कि बाघ पकड़ लिया है। कौन जो घटना है ये? ये मंडीहा घटना है, मंडीहा बन जंगल किनारे। हाँ, मंडीहा जंगल किनारे, कैंप के 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर के 100 मीटर के करीब में। SSB कैंप जी।